हेलो बच्चों, प्यारे साथियों, चलिए आज के दिन आपसे कुछ मन की बात करते हैं और कुछ जानकारी देते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जो आपको देना है जल्दी से आए, खासकर मैं बता दूँ मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक कौन से होने वाले इसके लिए, और दूसरी बात हम फिर से आएंगे। चलिए मैं ये चीज़ टाइम जाने के लिए आपके सामने ये मेंशन कर दे रहा हूँ फटाक से। तो अगर कोई बच्चा बायो में स्पेशली प्रॉब्लम है, नीट की तैयारी कर रहा है, नीट यूजी का, तो आपको बताएं बेटा जो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक होने वाला है 11th NCERT के ट्रायंगल है, ये 12th NCERT ट्रायंगल है। ट्रायंगल का मतलब तीन तीन यूनिट लिया है मैंने, जो कि आपको डिसाइड करता है मोस्ट स्कोरिंग यूनिट है। तो सेल यूनिट क्यों रखा गया प्लांट और ह्यूमन से ऊपर बेटा? बिकॉज ये छोटा यूनिट है और सेल तीन चैप्टर है। बायोमालिक्यूल थोड़ा टफ है, ध्यान दीजिएगा, दो दो जो कवर कर लेता है, थोड़ा बहुत मान लो केमिस्ट्री भी पहले आता था, अब तो साथ हटा है, एंड सेल डिवीजन दूसरा की सेल है। तो ये चीज़ जानते हैं, कम टाइम में आप स्कोर ज़्यादा करोगे। इवन बेटा ये ऐसा यूनिट है 10 से 12 क्वेश्चन आ जाता है, इवन कभी कभी उतना ह्यूमन फिजियोलॉजिस्ट भी नहीं आता। तो और सेकंड यूनिट है प्लांट फिजियो, प्लांट को ऊपर रखा गया, ह्यूमन से विकास प्लांट में दो चैप्टर हुए हैं खत्म, और आपको पढ़ना है तीन जो बेसिक चैप्टर आपके मेन मेन बड़े बड़े फोटोसेंसिस, और उसके बाद आप प्लांट रिस्पॉन्स एंड प्लांट ग्रोथ हार्मोन। तो ये जो चीज़ें हैं बेटा आपको ह्यूमन ऊपर रखा है, विकास कम टाइम में ज़्यादा स्कोर करेंगे। ह्यूमन में यह 7 चैप्टर था, एक हटा है डायरेक्शन, और बड़ा गंदा काम किया उन्होंने, खासकर जो पॉलिटिशियन पता नहीं कैसे एकदम भांग पी के हटा देते हैं कभी कभी, क्या करके समझ में आता है डाइजेशन हटा दिया आपने, खाना खाएगा तो पचेगा कहाँ, स्टमक अगल बगल पैंक्रियाज तो पता होना चाहिए, पता लगा उन्होंने MBBS करने चला गया ससुर और वहाँ पता नहीं पैंक्रियाज कहाँ कहीं और फेंक था, ऊपर नीचे कहीं शिफ्ट कर दिया, तो वही वगैरह ये जो होना चाहिए था, हो सकता है मे बी इन फ्यूचर में ये जुड़ जाए, लेकिन हमने उसको लोगों को बता रखा पढ़ा रखा है, समझे रहेंगे। तो ये ह्यूमन फिलहाल 6 चैप्टर हो चुका है, बट बेटा जानते हैं इससे ज़्यादा ऊपर वाले को तवज्जो दी गई है, ये आप फॉलो करेंगे, तीन मोस्ट स्कोरिंग यूनिट है। बाकी इसके अलावा भी आपको प्लांट की जो मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइडिंग यूनिट है। बाकी लोगों को लगता है एनाटॉमी बोरिंग है, मॉर्फोलॉजी नहीं, तो आपको बहुत अच्छे से बताया गया है, कुछ भी बोरिंग नहीं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चाहे हो बेटा ये सब डिसाइडिंग होती है, भले कम क्वेश्चन बट वो सब गलतियाँ वहाँ से होती, अच्छे अच्छे फ्रेशर रिपीटर जो टॉपर होते हैं वहाँ से करते हैं। तो आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो भैया तो हर चैप्टर टच करना है, जिनको 360 बायो में 355-60 लाना उनके लिए काम चलाओ, 60-65-70 तो बच्चा कोई भी करता है फ्रेशर फाउंडेशन, बट आपको अच्छा सोचना है बेटा तभी सिलेक्शन तक पहुँचोगे। सिलेक्शन लेना अलग बात है, वहाँ तक पहुँचना और बाकी एक मिडिल स्कोर करना अलग बात है। देखिए 12th NCERT बातें हम लोग 12th में, बाकी ऊपर वाले में लिविंग बर्ड के जो चारों चैप्टर उस यूनिट में, मतलब लिविंग बर्ड के बाद प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पहले भी उसके है, तो बेटा उसको भी ध्यान रखना है, बट ये मोस्ट स्कोरिंग है जो कम टाइम में आपको ध्यान रखना है, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, ऐसा मत सोचना उसको बताया ही नहीं। आगे आते हैं 12th NCERT में तीन सबसे बड़ी यूनिट, आप सोच सकते हैं यार इसको क्यों रखा गया ऊपर, सोचो कम टाइम में दो ही चैप्टर है बेचारे, लेकिन बहुत ज़्यादा स्कोर करने वाले हैं आप। सोचो जेंटिक्स ऊपर रखा है, बाउंड्री कितना है यार, जुमा, मतलब अगर बहुत अच्छे से पढ़ते हो सही से लिख के भी, ये पहला जो बायोटेक है 4-5 दिन लगता है, 5 दिन, दूसरा 3-4 दिन और लगता है बेटा, मतलब सोचो हर दिन से एक चैप्टर, इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है, जो लेक्चर जो लोग बच्चे जुड़े होंगे पढ़े होंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी बेटा बहुत ध्यान समझेंगे, जिसमें पहला है प्रिंसिपल, दूसरा एप्लीकेशन है, यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है, बहुत अच्छे क्वेश्चन रहते हैं और बहुत इजी वे में हो जाता है। दूसरा है जेनेटिक्स, पहला प्रिंसिपल मेंडेल वाला जो है मेंडेलियन इनहेरिटेंस, और दूसरा है बेटा ये बायो, ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग, ये देखेंगे रिवाइज करते टाइम पे ध्यान रखेंगे आप। दोनों बहुत स्कोरिंग टॉपिक है बेटा, तो इस पर बहुत रिसर्च न करना जेनेटिक्स, तो पुराना कुछ बच्चे होते हैं 12-15 साल पहले हम लोग का टाइम जब आता था तब जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा और ये सिलेबस से हट के था, विकास ऑल इंडिया बहुत ढेर सारे एग्जाम थे तब, अब तो सब नीट हो गया NCERT बेस बेटा, तो अब रिसर्च मत करना भाई, ठीक है, आसपास करना, बाकी 2-3 क्वेश्चन तो जब रिवाइज करोगे आपके आउट रहते हैं, जैसे पिछली बार भी हमने जो लोग रिवाइजन में जुड़े थे तो सीधे सीधे क्लाइंट फिल्टर डाउन से लेकर जितने भी आउट हुए थे ना सीधे जाना पीछे के, वो पहले से बोल देता हूँ। इस बार भी रिवीजन के टाइम पर बोल रहा हूँ मैं, जो आप 100 क्वेश्चन में 90 अटेंड करोगे, 90 में से लगभग वहाँ मैं आपको सीधे सीधे लगभग कम से कम 70-75 तो आउट होंगे, बट उससे सिलेक्शन नहीं होता है, कोई सोचे अभी इतना है तो फिर क्यों पढ़ा रहे, इसीलिए बोल रहा हूँ भी कि आज बेटा ये आपको किसी को अगर मान लो बीच में कुछ दिक्कत है जल्दी से स्कोर कर ले, उसके लिए बूस्टअप हो जाएगा, टाइम बचाता है ये, बट आपको अगर सिलेक्शन लेना तो आपको पहुँचना पड़ेगा वहाँ तक जहाँ तक बोले, हर चैप्टर टच करना, एक एक चैप्टर रिवाइज करना आपको बेटा बेहतरीन वे में। बाकी इकोलॉजी में 4 चैप्टर में चौथा इन्वायरमेंटल कटा हुआ है, बाकी ये 3 चैप्टर जो है शुरू की इकोलॉजी के अच्छे से करेंगे आप, बिकॉज स्कोरिंग रहेंगे। बाकी 12th NCERT में रिप्रोडक्शन यूनिट है, उसको भी ध्यान रखना है, ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ है, बाकी माइक्रोब्स वगैरह है उसको देखना है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें बेटा, प्लांट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना आप, बिकॉज ह्यूमन बेटा उसके पीछे रहे, प्लांट ज़्यादा स्कोर करता है, वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें हैं अच्छी, उसको ध्यान देना। बाकी ये मोस्ट स्कोरिंग दे रखिए, पढ़ना है सब कुछ मैंने बताया भाई, ये केवल ट्रायंगल है जैसे कि ज़्यादा स्कोरिंग के लिए है, ये ध्यान रखेंगे बेटा। दूसरा एक क्वेश्चन जो कई बच्चे हमसे पूछे बेटा, जल्दी से देखेंगे हम बता रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन आपको बताऊं क्या है बेटा, ऐसे बच्चे
ये थोड़ा सा गलत वे में तैयारी किया या लोगों के द्वारा भटका दिए गए हैं, इंस्टीट्यूट की प्रॉब्लम हो या कोचिंग जो भी होते हैं, ऐसे थोड़े से गलत फैसले में आपका दिक्कत हो जाएगा और थोड़ा सा बेटा साल ख़राब हो जाता है ऐसे लोगों की। अगर गलत हो गई, मान लो चीज़ें सही से आपने नहीं समझ पाया, उनका मनसा क्या था या आपके लिए गड़बड़ है या सही, मान लो कोई बच्चा नीट 23 तैयारी कर रहा था और जैसे रिजल्ट आया, मान लो ये पिछली बार मई में हुआ था 23 में 7 मई को, बाद में रिजल्ट मालूम आ गया, मेरे बाद जब भी आया रिजल्ट बाद मालूम किसी बच्चे को नहीं होता है, जल्दी समझेंगे इसको और उसके स्कोर लगभग 400 नंबर के आसपास बेटा आए। अब वो स्कोर इतना जो था सफिशियंट नहीं था, उसको फिर से तैयारी करना था और बोला कि मैं नीट 24 में फिर से एग्जाम देना चाहता हूँ, विकास जन को सीट उठानी है MBBS की। तो होता क्या बेटा, बहुत ध्यान सुना, ये 24 आपको लगभग 600 प्लस के आसपास आंकड़ा लाना है, मतलब 600 जैसे कि एज ए जनरल सोचेंगे आप वहाँ तक पहुँचना है। तो आप सोचेंगे बेटा यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे, तो क्या गलती हुई है कुछ बच्चों से बीच में? हालांकि इस पर बहुत पहले मैंने वीडियो बनाया बट बहुत कम टाइम था मेरे पास, मैंने भूल गया और डाला नहीं, और कुछ बच्चे जुड़े उनको मैं बताया भी कि गलती न करना, विकास अगर डालता तो बहुत सी लोगों को दिक्कत होती, कई लोग को दुश्मन बन जाता, क्योंकि अच्छा ही बताने भैया कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूँ कर देता हूँ, बट प्रॉब्लम यह है कि बेटा उसमें से आप लोग किस विम लेते हो, अच्छे विम लेना है इसको जिससे कि आपको फ़ायदा हो, बाकी क्या मनसा हो अभी 2 मिनट में समझ जाओ और लोग इसके पीछे क्या लॉजिक है। जैसे ये हुआ, आपने जस्ट 400 नंबर आया बेटा नीट में और मान लो फिर आपने जुलाई में कोचिंग स्टार्ट कर दी और यही जुलाई से जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, कोचिंग कहीं एडमिशन लिया, बेटा बहुत ध्यान सुनेंगे इस प्रिपरेशन में कई जो है इंस्टीट्यूट वाले ने क्या किया, अलीडिया में तुरंत मॉडल टेस्ट पेपर लॉन्च कर दिया, मॉडल टेस्ट पेपर मतलब कंप्लीट सिलेबस, अगर आपने यहाँ कंप्लीट सिलेबस दिया मॉडल टेस्ट पेपर, ये MTP मतलब मॉडल टेस्ट पेपर समझे, कुछ और नहीं समझेंगे, अगर ये आपने तुरंत देना चालू कर दिया कंप्लीट सिलेबस का और आपकी तैयारी उतनी नहीं थी, आपने इतना ही स्कोर किया था, तो आपको बेटा सुधार करना था कि ये 400 नंबर से बढ़ा के हमको लाना है 600 के आंकड़े के पास। तो ये चीज़ आपने क्या गड़बड़ी की है बेटा, सुनिए, जो लोग जुलाई से ही मॉडल टेस्ट पेपर ज्वाइन किए, मैंने पहले शुरू से विरोध किया बेटा ऐसा मत करिए, बिकॉज आपको सुधार करना है यहाँ पे, जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपके वीक चैप्टर उसको सुधारना था, आपको यहाँ पहुँचना था, चाहे जो भी सब्जेक्ट है आप अपनी कमी अच्छे से जानते हो, बट इंस्टीट्यूट के चक्कर में जो लोग पढ़े, कई एक लोगों ने चालू किया मतलब मॉडल टेस्ट पेपर, तो बहुत से लोग और ने चालू कर दिया ऑल इंडिया में जहाँ भी देखेंगे, बट बहुत बड़े ट्रस्टेड लेवल पे जो कोचिंग होती है ना इंस्टीट्यूट, जो जानते हैं समझते हैं आपको क्या फ़ायदा है, तो वो मॉडल टेस्ट जुलाई स्कूल नहीं कराया था, तो अब जाके भले लॉन्च हो रहा है बेटा, ठीक है ना, अब ठीक है फरवरी मिड फरवरी गायब हो चुका है, अब तो करना ही है, लेकिन ये जो उन्होंने किया है इसका कमी समझिए क्या हो रहा है बेटा। यहाँ पे क्या है, आपने 400 पाया था और हर दूसरे तीसरे हफ्ते में 2 दिन जाके आप मॉडल टेस्ट पेपर शुरू दे रहे हो, और ऐसा क्या तीर मार दिया आपने, 1.5-2 महीने पहले नीट दिया था मॉडल टेस्ट पेपर, इतना स्कोर आया था, ऐसा क्या कर दो कि यहाँ 600 लाओगे, नहीं ला सकते, 10-50 नंबर के आसपास ही रहेगा आंकड़ा, बता दे रहा हूँ। इसलिए आप लोग जो भी बेटा इतने महीनों में खर्च किया जो टाइम ना, जैसे मान लो जुलाई फिर बीता फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर जो पूरा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक, ये मान लो जो टाइम बीता है ना आपके इतने महीने बीच के, ये टाइम था सुधार करने का, न कि यहाँ पे अपना टाइम डेली खर्च कर रहे हैं, 3 घंटे 20 मिनट जाते हो आने जाने में, आधा घंटा जोड़ दो 4.5-5 घंटा आपको यहाँ ले जाता है कंप्लीट मॉडल टेस्ट पेपर। हाँ उनके लिए अच्छा है, उनके लिए अच्छा है जो बच्चों की तैयारी बहुत अच्छा है, 10-5 नंबर सुन के हैं, जिनको बेटा लगता है कि मेरा तो हो ही जाएगा भैया, लेकिन उनको भी अगर कहीं कमी है तो उनको और बड़ा सोचना था, कहीं वीक तो होगा कोई पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो, चाहे वो बायोलॉजी की बात करें, बायोटिक्स से लेकर जेनेटिक्स से प्लांट फिलोलॉजी फोटोसिंथेसिस कुछ भी हो, कोई एक्सवाइजेड टॉपिक सोल्यूशन ही क्यों ना हो बेटा, प्रोफेसर फर्स्ट ही नहीं आता, तो आप अपनी कमी जानते हो उसको सुधारना था, न कि इस कचरे में पढ़ना था, लेकिन कई लोग पढ़े थे लेकिन उसको उबारना है, मुझे बताना कैसे अब और अच्छा कर सकते हैं आप, अगर अभी तक गड़बड़ किए, ये महीना आपका गड़बड़ हुआ है, नहीं सुधार पाए हैं, तो अब से संभल जाना विकास, वो गलती हो चुकी है आपसे, दोबारा टाइम वापस नहीं आएगा बेटा, ये तो बस एक इंस्टीट्यूट का बिजनेस था कि अपने सामने मॉडल टेस्ट लॉन्च किया जुलाई से जुड़ गए, ना तो आपको सुधार हो रहा है, आए दिन जा रहे हो फ्रस्ट्रेशन ऊपर से आ रहा है, तो फ्रस्ट्रेट हो गया यार। जब टेस्ट भैया तैयारी जब चैप्टर तैयार होता है ना, कोई भी बनाए, मैं बनाऊँ चाहे कोई भी बना दे पेपर, मान लो किसी बायोटेक हो चाहे बी सल्यूजन फोटोसेंस कुछ भी ह्यूमन फ्लो कहीं से बना दूँ, एक चैप्टर जैसे बायोटेक तुमने तैयार किया या फोटोसेंस, उस चैप्टर अच्छे से कर लिए, इधर उधर की क्वेश्चन लगा लिए आपने बेटा, तो बायो में वो चैप्टर जब अच्छा हो गया, हम पेपर बनाए कोई भी बनाए बेटा, तो वो तो अच्छा है ही ना, वो तो आप कर ही लोगे, इसलिए आपको हमेशा ये नहीं टेस्ट देने, सुधार होता है, सुधार तब होगा जब आपका वीक पॉइंट स्ट्रांग होगा उस सब्जेक्ट का, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे बार बार जाके टाइम ना खर्च करें। और सबसे गंदी बात है ना, अभी हर दूसरे दिन हर दिन जो टेस्ट दे रहे हैं डेली, आपका 4.5-5 घंटा जा रहा है, तो ये डेली ना दो बेटा, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग प्लीज़ हफ्ते में 2-2 मैक्सिमम अभी के लिए,
बहुत जब आपका मई के पहले अप्रैल आए तो वहां पे भैया जाओ हर दो दिन दो एक दिन दो उससे मतलब नहीं मुझे, बट अभी अगर जिनकी तैयारी नहीं है उनके लिए बोल रहा हूँ वो आराम से 4.5-5 घंटा हर दूसरे दिन खर्च करें, उसमें आपको 5 घंटा 4.5 घंटा कोई कमजोर टॉपिक स्ट्रांग हो सकता है, स्ट्रांग होगा जब अच्छे से बैठोगे कंप्लीट सिलेबस रिवाइज करके टेस्ट देने ना तो मॉडल टेस्ट पर आपको अच्छी फीलिंग आएगी, गुड फीलिंग आएगी, अच्छा स्कोर करोगे तब अंदर से। तो ये एक जानकारी हमने बता दिया कैसे यहाँ तक पहुँचोगे, तो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली ये जानकारी। अगर चीज़ें जानकारी अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कमेंट या शेयर करें, कुछ पूछना हो तब भी हमसे पूछ सकते हैं आप। मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।